गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। दिन की शुरुआत हुई है बहुत ही प्यारी। हिम्मत स्कूल जाने वाला है। हिम्मत फायर प्लेस के पास बैठता है थोड़ा सुबह, क्योंकि थोड़ा सा चिली होता है। बट आज पहली स्नो पड़ रही है विंटर की। एक बार थोड़ा सा फॉल हुआ था, बट थोड़ा सा आज थोड़ा ज़्यादा हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ। और आज हम बहुत ही प्यारे टॉपिक पे बात करेंगे, सीजनल डिप्रेशन के बारे में। बहुत सारे लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, स्पेशली जो नॉर्थ पोल के नज़दीक रहते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है एंड बहुत ही डिप्रेसिंग वेदर होता है। सो उसको कैसे डील करें, कैसे खुश रहें, कैसे डील करें विंटर की ब्लूज़ के साथ, उसके बारे में हम बात करेंगे। टाइम की हमारे पास अब कमी है, जल्दी से हमारा प्रोसेस शुरू करेंगे। ओके, सो समय थोड़ा रह गया है, अब मुझे राजमा पे काम करना पड़ेगा। मैंने काफ़ी ज़्यादा समय स्पेंड कर दिया मेरे और काम करने के लिए, ध्यान किया और मैंने थोड़ा सा, एंड देन मैं रेडी हूँ आज के दिन के लिए। एंड जल्दी से कुकिंग शुरू कर लेते हैं राजमा बनाना। ओके, सो मैंने राजमा एंड राइस बना के रख दिए हैं। राजमा को थोड़ा सा समय चाहिए, राइस को काफ़ी ज़्यादा समय चाहिए, और हिम्मत के आने में सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। एंड मेरे पास एक्चुअली कल लास्ट नाइट के थोड़े से राइस हैं, तब तक हिम्मत को वो सर्व करेंगे एंड देन फ्रेश राइस रेडी हो जाएंगे। एंड फॉर सम रीजंस आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट द वे माई किचन इज़ लुकिंग मैसी। ये तो थोड़ी सी सफाई की ज़रूरत है एंड थोड़ा सा पॉलिश करेंगे सारे घर को, ऑर्गेनाइज करेंगे। एंड यस, आज सुबह मैं उठी हूँ बैक पेन के साथ, नॉट बैक, शोल्डर एंड थोड़ा सा गर्दन जो ट्विस्ट हो जाती है ना, स्टिफनेस आ जाती है कि आप पीछे मुड़ के नहीं देख सकते हैं, नीचे नहीं देख सकते, वैसा कुछ हो गया है। एक्चुअली ये हुआ था 5 हफ्ते पहले और फिर थोड़ा सा लाइट हो गया, पर लास्ट नाइट फिर से बहुत ज़्यादा हो गया। अर्लियर मुझे ये कंसर्न था कि ये मेरे आरए से रिलेटेड तो नहीं, सो डॉक्टर से मैंने कंफर्म किया, आई थिंक शी डिड सम टेस्ट एज वेल, सो नहीं, ये उससे कनेक्टेड नहीं है, ये मे बी बैड पॉस्चर है एंड और कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। सो या, हिम्मत के आने में बहुत कम समय है, 10 से 12 मिनट। वो 12 मिनट हम हमारे घर को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करेंगे। सो, सारा कुछ हमें करना पड़ेगा स्पीड में। सो, राजमा में ना पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो पानी को उड़ाएंगे हम एंड क्लीन करेंगे। सो, डिशवॉशर को एम्प्टी करने के लिए मैं हेल्प लेती हूँ हस्बैंड से, पर वो अब नहीं है, वो गए हैं, उनका कोई काम है।
एंड अब मुझे करना पड़ेगा क्योंकि जब तक मैं डिशेस को डिश वॉशर में नहीं लगाऊंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा. सो बातें तो बहुत करना चाहते हैं पर समय की कमी होने की वजह से हम सबसे पहले करते हैं बिन को खाली. रन कर करके काम करना पड़ेगा. Rajma, I forgot to cook Rajma. Sorry. No, I saw it. Saw? Saw where? No, I forgot to cook it. So I cook alu gobi instead. Totally. You don't cook alu gobi in that. You do not. You cook it in the white pot. And that? That doesn't seem like a white pot to me. Let her cook. Boogie, mehan apne kapde utthe rakh ke te kapde ch kadi di smell aan lapni. Ja hide kar de shoe closet ch. How was your day? Something exciting happened? Oh yeah. It was so epic. It happened at recess. Kedi fight? Charlie? वो बॉयज दी फाइट हुई केड़े ग्रेड दे बॉयज सीगे ओ बिग किड्स ओके सो की होया चार्ली हां एंड देन सम डूड केम एंड चेंज्ड द होल एंटायर सब्जेक्ट अबाउट हु स्ट्रॉन्गर एंड देन दैट्स हाउ दे एंडेड अ फाइट इट वाज थ्री पीपल इन द फाइट हम्म. Oh my god, this is so bad. My pocket is so low. For some reason, मैंने देखा है कि जब आप कोने कोने क्लीन करते हो ना एक अलग सी हैप्पीनेस मिलती है कोई खुशी मिलती है एंड फील होता है कि ओ दिस इज़ ऑल्सो क्लीन. हाँ कोने को क्लीन करके बहुत मज़ा आया मुझे. यहाँ पर कोई गंद भी नहीं था बाय द वे. यहाँ पर सिर्फ ये बेचारा पेपर टॉवल रहता है एंड कॉफ़ी मशीन इसके साथ थी एंड देन हमारी प्यारी कैटल. दैट्स इट. अलग खुशी का अनुभव हुआ मुझे. सो दिस गाय इज़ डन. अब इधर वाली साइड को भी करेंगे. मेरा ना प्रेशर कुकर थोड़ा ख़राब जहा हो गया मैं लगता क्योंकि कम नहीं करता. राइस ना अजीब से हैं. आज तेरी बस लेट हैगी. देन हाउ यू वेंट? ओके दोस्तों मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे मैं मेरे स्वेटर्स को
टेक केयर करती हूँ. मैं इनको ना क्विक सेंसिटिव वॉश करती हूँ मेरे वॉशिंग मशीन में, जो कि सिर्फ 20 मिनट्स का साइकिल है. एंड देन उनको स्पिन करने के बाद मैं ड्राई नहीं करती हूँ, मैं एयर ड्राई करती हूँ ताकि वो अच्छे दिखें. और जिन पे थोड़ी सी बुर आ जाती है उसको मैं ये रेज़र के साथ कोशिश करती हूँ करने की रिमूव, कुछ कैंची के साथ, लाइक कि ज़्यादा टाइम तक मेरे स्वेटर्स अच्छे रहें. और इनको आयरन करने की बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप आयरन गरम गरम लगा देते हैं तो वो जो धागे हैं वूल के वो शाइनी हो जाता है. सो इसके लिए मुझे अच्छा लगता है स्टीम करना. तो ये बहुत सारे स्वेटर्स को मैंने कल धोया था, संडे था कल, तो अभी ये मैं स्टीम कर लूँगी. जिनमें बल आए हैं जो ठीक है उनको हम छोड़ देंगे. यू लुकिंग समवेयर एल्स एंड राइटिंग समवेयर एल्स, दिस लुक फेक. ओके दोस्तों, तो समय आता है आज की वीडियो को एडिट करने का. आज की नहीं, जो मैं आज अपलोड करना चाहती हूँ, एक्चुअली आज नहीं करूँगी, मैं कल सुबह करूँगी, पर कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आज फिनिश हो जाए. फिर जब हिम्मत स्कूल चला जाता है सुबह, तो उसके बाद मैं बाकी का बचा हुआ काम कर लूँगी. जितना मैं एडिट कर सकती हूँ उतना मैं कर लूँगी, एंड देन आई विल फील वेरी नाइस एंड हैप्पी एंड प्रोडक्टिव एंड फुलफिल्ड. ओके दोस्तों, हिम्मत की पढ़ाई हो गई है थोड़ी सी कंप्लीट. एक घंटे का टाइमर लगाया था मैंने, उसने पूरा कर लिया है. राजमा राइस खाएगा थोड़ा सा वो, एंड देन मेरी कोशिश है कि मेरे स्टूडियो को मुझे थोड़ा सा क्लीन करना है, क्लीन मतलब ऑर्गेनाइज करना है. एंड इस वीकेंड पे मैंने वैक्यूम भी नहीं किया. अपस्टेयर मुझे सारा वैक्यूम करना होता है, वैसे वो ड्यूटी मैंने मेरे पति को दी है, वो ड्यूटी वो सक्सेसफुली निभा पाते हैं. सो वो नहीं किया है. सो कोशिश करूँगी क्विक सा रन कर दूँ वैक्यूम का. एंड जो मेरे ये शोल्डर का दर्द है वो ठीक नहीं हुआ है अभी, वैसा ही है. सो आज यहाँ पे स्नोफॉल हुआ है एंड काफ़ी ज़्यादा स्नो पड़ गई, जिसको देख के मुझे एक टॉपिक याद आया है डिस्कस करने के लिए, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा लोग डील करते हैं. एंड बहुत सारे दोस्तों के मैसेज भी आते हैं इस चीज़ को लेके कि वो बहुत उदास हो जाते हैं, स्पेशली जब विंटर्स आते हैं. सो मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे रोमांटिसाइज करना है विंटर्स को, बिकॉज बहुत सारे लोग डील करते हैं सीजनल डिप्रेशन के साथ, जहाँ पे वो विंटर्स में उदास हो जाते हैं, उदासी आ जाती है. स्पेशली वो दोस्त वो बाहर जाना बहुत पसंद करते हैं, एंड समर एंड स्प्रिंग एंड अच्छे मौसम में हमेशा आउटडोर वाली एक्टिविटीज़ करते हैं. इस समय वो घर के अंदर स्टक हो जाते हैं, उन्हें बहुत अच्छा नहीं लगता है. दूसरा है कि बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं लोग विंटर से नॉर्थ पोल के पास एंड साउथ पोल के पास, बिकॉज यहाँ पे सन की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बड़ा चेंज आता है. अभी जो लोग इंडोर जॉब्स करते हैं और वो सुबह जब निकलते हैं तब भी काइंड ऑफ अंधेरा होता है, और जब वो वापस आते हैं तब भी अंधेरा होता है. एंड जो सनलाइट है वो आपको बहुत खुशी देती है, एंड मेजॉरिटी ऑफ हफ्ते के दिन आप सन को नहीं देखेंगे एंड उसे इंजॉय नहीं करेंगे, तो खुद से डिप्रेशन जैसा फील होता है. क्योंकि जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ 8 से 9 घंटे के लिए ही अच्छी दिन की रोशनी मिलती है, 5 o'clock 5 बजते ही अंधेरा सा हो जाता है. ये ट्रिगर करता है बहुत से वो लोगों को जो ऑलरेडी प्रोन है एंग्जाइटी डिप्रेशन उदासी के. सो मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आपका हेल्प हो. सो सबसे पहले है कि विंटर को रोमांटिसाइज करने के लिए आप थोड़ा सा प्लान बनाएं. अब मैं रेकमेंड करूंगी कि पिंटरेस्ट पे जाएं एंड पिंस करें, लाइक विंटर के प्यारे प्यारे आउटफिट्स, क्रिसमस के ब्यूटीफुल रेसिपीज, या कुछ बेकिंग या कुकिंग, या आप कौन से कपड़े पहनेंगे इस सीज़न का फ़ायदा उठाने के लिए, कौन से फ्लेवर्स आपको सबसे ज़्यादा खुशी देंगे. अगर आपको बेकिंग अच्छी लगती है तो बहुत सारी ऑप्शन है बेकिंग करने के लिए, सूप्स के लिए बेस्ट सीज़न है ये. और इतना अपनी म्यूज़िक की लिस्ट तैयार करें जो आपके मूड को बूस्ट करे, स्पेशली विंटर क्रिसमस से रिलेटेड जो कि आप प्ले करें और आपको बहुत अच्छा लगे. और रोज आप किस एक किस्म का पैम्पर रूटीन फॉलो कर सकते हैं, लाइक वार्म बाथ ले सकते हैं एंड अपनी स्किन केयर ऐसा करें जो विंटर के लिए बहुत मज़ेदार हो, बहुत सूदिंग हो और आपको बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड लगे. और सीज़न के लिए अपने घर को डेकोरेट करने की ऑप्शन देख सकते हैं, क्योंकि जब आप ये सीजनल डेकोर अपने घर के अंदर लेके आते हैं और आपका घर बहुत ही ज़्यादा फेस्टिव हो जाता है, उसकी एक अलग से एनर्जी आती है और आप भी बहुत बूस्ट फील करते हैं. जब आप अच्छा फील करते हैं तो सारा
तुम्हारा घर अच्छा फील करता है. सो आप हर वो तरीका देखें कि जिससे आप इस सीज़न को इंजॉय करें, क्योंकि जो सीजन्स हैं वो चेंज लेके आते हैं. अगर हमेशा ही समर रहेगा तो हमें समर की उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जो विंटर के बाद आती है. और जब विंटर आता है पहली स्नो पड़ती कितनी खूबसूरत लगती है, उसके साथ बहुत सारी बुरी चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं, पर हमको अच्छी वाली चीज़ें देखनी है कि ये बहुत थोड़े समय के लिए होगा, 2-3 महीने में आपका जो विंटर है वो ख़त्म हो जाएगा. सो ये 2-3 महीने आप कैसे इस विंटर को इंजॉय कर सकते हैं रोमांटिक, अपने घर का डिकोर ऐसे करें, ब्यूटीफुल येलो लैम्प, स्ट्रिंग लाइट्स, क्रिसमस ट्री और कैंडल्स जिससे खुशबू आए, सिनेमन बन जैसी, एप्पल पाई जैसी, कि आपका घर बहुत ही ज़्यादा क्रिसमसी लगे और आप बहुत हैप्पी फील करें उस घर में. वीकेंड्स पे आप फोर्ट बना सकते हैं अपने किड्स के साथ, उसमें बैठे स्नैक्स खाएं, मूवीज़ देख सकते हैं क्रिसमस की. बहुत ज़्यादा फन लविंग इवेंटफुल दिन जाएगा, आपके बच्चों की बहुत अच्छी मेमोरीज भी बनेंगी और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा. जो भी एक्टिविटीज़ आप स्नो से रिलेटेड कर सकते हैं, लाइक क्रिसमस मार्केट्स होती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं क्रिसमस के अराउंड, वो सारी में हिस्सा ले सकते हैं. अभी बाहर विंटर है तो ऐसा नहीं है कि आपको घर के अंदर ही पैक होकर रहना है, आप अच्छे वार्म कोजी कपड़े पहन के बाहर जाएं, 5-10 मिनट के लिए जाएं और एनर्जी लें एंड सनलाइट लें. कैलगरी की ये बहुत ज़्यादा अच्छी खूबसूरती है कि यहाँ पे सन हमेशा मोस्ट ऑफ द डेज निकलता है, तो सनलाइट लेने के लिए आप थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं 5-10 मिनट. कुछ से भी किस्म की फिजिकल एक्टिविटी करें, जिम जाएं, योगा करें, वर्कआउट करें, अपनी लाइफ को ट्रैक पर रखें, उदासी वाले मोड में बिल्कुल मत आएं. और थोड़ा कुछ समय ना अपने साथ स्पेंड करें, टेक अ मोमेंट टू योरसेल्फ, एंड ऑल्सो अच्छा अच्छा हेल्दी खाना खाएं, ओमेगा 3 लें ज़रूर से क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उसकी, विटामिन डी के टैबलेट्स भी ज़रूर से लें क्योंकि अब आप विटामिन डी को कम कंज्यूम करेंगे, नहीं करने से हड्डियों में दर्द हो सकता है एंड आप बहुत ज़्यादा लेज़ी भी फील करते हैं. विटामिन डी को कंज्यूम करने से आप थोड़ा सा बूस्ट अप एनर्जी आती है आप में. सो अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आप देखेंगे कि आप ये वेदर को बहुत इन्जॉय कर रहे हैं. सो कुछ क्विक टिप्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि जब आप उठते हैं तभी आप एक टू डू लिस्ट बना लें या फिर सोने से पहले बना लें कि आपको कल क्या काम करना है, क्योंकि जो सर्दी का मौसम होता है ना वो कहीं पर भी हो वो बहुत लेज़ी मौसम होता है, क्योंकि किसी का भी बेड से निकलने के लिए मन नहीं करता, किसी का भी दिल नहीं करता नहाने के लिए, सबको लगता है कि बस इकट्ठे होके कोजी होके बैठे रहो. जैसे इंडिया में कहते हैं कि सर्दी दलिद्र लेके आती है जिसमें आप कुछ नहीं करते हैं, लथार्जिक हो जाते हैं. सो टू डू लिस्ट बना लें ताकि आपको पता हो कि आपको क्या क्या करना है एंड फिर आपको उठना ही पड़ेगा एंड वो चीज़ें आप करेंगे. एंड दूसरी चीज़ है कि सुबह ही तैयार हो जाएं, अच्छा सा प्यारा सा कोजी विंटर फ्रेंडली आउटफिट पहने, प्यारा सा मेकअप करें, अपने आप अपने बाल तैयार कर लें, क्योंकि जब आप एक बार रेडी हो जाते हैं ना फिर आप बहुत सारे टास्क कंप्लीट करना चाहते हैं एंड जब आप बहुत सारे टास्क कंप्लीट करेंगे और फिर आप और टास्क करना चाहेंगे, आप बहुत प्रोडक्टिव फील करते हैं जब आप रेडी हो जाते हैं. और अगला है कि आप प्यारा सा कोजी सा मील तैयार करें अपने लिए, आप सूप बना सकते हैं, कुछ डिलिशियस अपने लिए तैयार करें, वो भी आपको बहुत ही ज़्यादा चार्ज करता है, स्पेशली अगर आपको कुकिंग अच्छी लगती है. सो वो आपको काफ़ी बूस्ट करेगा एंड आप उसके लिए आप बहुत मोटिवेट रहेंगे कि आप ये सारे काम करने के बाद बहुत ही डिलिशियस रेसिपी बनाने वाले हैं. अगली चीज़ है, जैसा कुछ भी है चल रहा है आपकी ज़िंदगी में, ग्रेटफुल रहें, जर्नलिंग करें कि कैसा आपके इमोशंस आ रहे हैं और कैसी सिचुएशन है, एंड ग्रेटिट्यूड ज़रूर दिखाएं यूनिवर्स को, बाबा जी को, कि जो कुछ भी आपके पास है वो बहुत ज़्यादा है और ये छोटी मोटी चीज़ें मैटर नहीं करती हैं. सो ग्रेटिट्यूड दिखाना, ग्रेटफुल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका असली मतलब आपको तब पता चलेगा जब आप ग्रेटफुल हो जाएंगे कि दिस इज़ सो ब्यूटीफुल. एक पैम्परिंग नाइट का रूटीन रखें, अच्छा सा स्किन केयर करें, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों को बहुत अच्छा लगता है जब वो अपना टेक केयर करती हैं, सभी को अच्छा लगता है जब आप सेल्फ केयर करते हैं ना तो बहुत अच्छा फील करते हैं. सो एक प्यारा सा विंटर फ्रेंडली स्किन केयर रूटीन बना लें या पैम्परिंग रूटीन बना लें. मैं भी आपके साथ कुछ शेयर करूँगी किसी फ्यूचर व्लॉग में. अभी लास्ट नॉट द लीस्ट, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेडिटेट करें, क्योंकि मेडिटेशन जो है वो आपको अपने अंदर लेके जाती है. जब आप अपने अंदर से कनेक्ट हो जाते हैं तो बाहर की सिचुएशंस आपको मैटर ही नहीं करती हैं. बाहर कैसा भी मौसम हो आप अच्छा ही रहेंगे, बाहर समर है विंटर है वो आपके मूड को चेंज ही नहीं होने देगा. सो ध्यान करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी सुपर पावर के साथ ज़रूर से कनेक्ट हो एंड तब आपको हर चेंज खूबसूरत लगेगा. अभी आपने गर्मियों को इंजॉय किया, अब बर्फ़ पड़नी शुरू हो गई है, अब बर्फ़ को इंजॉय करेंगे बहुत ही कॉन्शियसली और आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड दिस इज़ सो ब्यूटीफुल, क्योंकि अब आपका देखने का नज़रिया चेंज हो गया है एंड अब आप
आपको बहुत सारी चीज़ों की एक्सेप्टेंस आ गई है एंड आपको पता है कि बदलाव कितनी खूबसूरती लेके आता है. अगर चीज़ें सेम ही होंगी तो बहुत बोरिंग होंगी. तो ये सारा कुछ चेंजेस आते हैं मेडिटेशन के साथ. मैंने मेरे चैनल पर एक वीडियो अपलोड की है हाउ टू मेडिटेट, उसमें मैंने बहुत सारी डिटेल्स शेयर की हैं. उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, ज़रूर से देखें अगर आप बिगिनर हैं. पर मैं फ्यूचर में एक और वीडियो बनाऊंगी जो एक दो मिनट की होगी, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि हाउ टू मेडिटेट बहुत ही क्विक. पर अगर आप थोड़ा डिटेल में चीज़ें जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से देखें. सो यस दोस्तों, विंटर्स को इन्जॉय करें, रोमांटिसाइज करें, और आप जब खुश होंगे, बूस्ट होंगे, तो ये दुख और ये डिप्रेशन और ये एंग्जाइटी और सैडनेस और ये विंटर ब्लूज़ भाग जाएंगी. वो आपके पास रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनको उदास बंदे अच्छे लगते हैं, खुश बंदे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते. ऑल राइट प्यारे दोस्तों, सो आज के व्लॉग के साथ बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा. अगर लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें एंड सोशल मीडिया पर मुझे फॉलो करें. अगर आप कुछ शेयर करना चाहते हो उसे कमेंट बार में कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर मैसेज कर सकते हैं. मैं जल्दी मिलती हूँ आपको नए वीडियो में. अपना ख्याल रखें एंड बिल्कुल मत भूलें कि आप जैसे भी हैं बहुत प्यारे हैं और इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. आई लव यू गाइस सो वेरी मच. बाय.